brought to you by Glimpsy. Win up to rupees 5 crores every day. Download the app now. Mumbai Indians. ये टीम आईपीएल 2022 के प्लेऑफ से बाहर होने वाली पहली टीम बन गई है। लखनऊ सुपर जायंट्स ने मुंबई इंडियंस को 36 रनों से हरा दिया है, जिसके बाद मुंबई के क्वालिफाई करने के मैथमेटिकल चांसेस भी खत्म हो गए हैं। इस मैच में मुंबई की टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी तो अच्छी की, लेकिन बल्लेबाजी के समय टीम 169 के लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाई। इस मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए लखनऊ सुपर जायंट्स ने 168 रन बनाए थे। यहां तक पहुंचने के लिए कप्तान केएल राहुल ने 62 गेंदों में 103 रन की पारी खेली। उनके अलावा मनीष पांडे ने 22 और आयुष बडोनी ने 14 रन बनाए। मुंबई की तरफ से मेरिडिथ और पोलार्ड ने 2-2 विकेट हासिल किए। जवाब में मुंबई की शुरुआत धीमी रही। ईशान किशन ने 20 गेंदों में 8 रन की पारी खेली। टीम के लिए सबसे ज्यादा रन रोहित शर्मा ने 39 और तिलक वर्मा ने 38 रन बनाए। वहीं लखनऊ की तरफ से कृणाल पंड्या ने 3 और मोहसिन खान, जेसन होल्डर, रवि बिश्नोई, आयुष बडोनी ने 1-1 विकेट चटकाए। इन खिलाड़ियों के प्रदर्शन के बाद मुंबई 36 रन से हार कर अपनी उम्मीदें खत्म करवा गई। मुंबई इंडियंस की हार के बाद कई फैंस इस टीम का मजाक बनाने लगे, तो कई मुंबई के खिलाड़ियों के सपोर्ट में आ गए। चलिए जानते हैं मुंबई के बारे में जनता ने ट्विटर पर क्या राय रखी और क्या हैशटैग्स चलाए। हैशटैग मुंबई इंडियंस। इस मैच के बाद ट्विटर पर टॉप पर मुंबई इंडियंस ट्रेंड करता नजर आया। जैसे ही टीम मुंबई की उम्मीदें खत्म हो गई, फैंस ने इनको ट्रेंड कराना शुरू कर दिया। एक यूजर ने लिखा, आईपीएल 2022 में मुंबई इंडियंस ने हर मैच में एक नया रिकॉर्ड बनाया है। वे लगातार 8 मुकाबले हार गए, एमआई टूर्नामेंट से बाहर होने वाली पहली टीम बन गई। दोस्तों, अब आपसे 2023 में मुलाकात होगी, बाय पल्टन। अन्य यूजर ने ऋषभ पंत की फोटो लगाकर लिखा, सचिन मुंबई इंडियंस के खिलाड़ियों से आखिरी ओवर में आ जाओ। हैशटैग ईशान किशन। ईशान किशन आईपीएल 2022 ऑक्शन में सबसे महंगे 15.25 करोड़ रुपए में बिके थे। 8 मैच में इनकी परफॉर्मेंस को देखें तो किशन ने 199 रन बनाए हैं। साथ में बीते कुछ मैच में इनके बल्ले से रन भी नहीं आ रहे। ऐसे में जब ये लखनऊ के खिलाफ उतरे, इन्होंने 20 गेंद में 8 रन की पारी खेली। इसके बाद ट्विटर पर बैठी जनता इनको खरी खोटी सुनाने लगी। एक यूजर ने लिखा, ये अविश्वसनीय है, मेरे भगवान, इस तरह की निरंतरता। ईशान किशन, आपका प्रदर्शन हमारी रोज की दवाइयां हैं, हमारी हफ्ते की एनर्जी है, महीने की प्रेरणा और साल का मोटिवेशन है। मुंबई इंडियंस के लिए ईशान किशन पर खर्च किया गया 15.25 करोड़ रुपया क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट लगता है। हैशटैग रोहित शर्मा। रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस के कप्तान। इनकी टीम लगातार 8वां मुकाबला हार गई। 7वें मुकाबले में इनका बल्ला भी खासा नहीं चला। रोहित ने 31 गेंदों में 39 रन की पारी खेली, जिसके बाद लोग उन्हें कोसने लगे। एक यूजर ने लिखा, एमआई फैंस रोहित शर्मा से, तुम मुझे हर बार गलत प्रूफ करते हो। अन्य यूजर ने उनके सपोर्ट में आकर लिखा, रोहित शर्मा हमेशा मेरे फेवरेट, शानदार वापसी करो हिटमैन। हैशटैग पोलार्ड। लखनऊ के खिलाफ पोलार्ड एक बार फिर अपनी टीम के लिए मुकाबला नहीं बचा पाए। उन्होंने 20 गेंदों में 19 रन की पारी खेली। उनके इस प्रदर्शन के बाद एक यूजर ने लिखा, पोलार्ड रो रहे हैं, आज आखिरी मुकाबला खेला ऐसा लगता है, गुड बाय पॉली। मुंबई इंडियंस के लिए इस टूर्नामेंट के खत्म होने पर जनता ने ट्रेंड्स चलाकर कुछ इस तरीके से अपनी प्रतिक्रिया दी। मुंबई इंडियंस का अगला मुकाबला 30 अप्रैल को राजस्थान रॉयल्स से होगा। और अब बात करते हैं गेमजी की। इस ऐप का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए डाल दिया है। गेमजी पर आपके पास मौका है 5 करोड़ तक के इनाम जीतने का। इस ऐप पर आप लाइव मैच में भी टीम बदल सकते हैं और पहले डिपॉजिट पे आपको मिलेगा 100 रुपए का कैशबैक भी। साथ ही साथ अब निवेश करना हुआ और भी आसान। 5 पैसा ऐप से 5 मिनट में अपना डीमैट अकाउंट बनाएं। यह ऐप आपको देता है रिसर्च टूल्स और इन्वेस्टमेंट एडवाइस, 0% ब्रोकरेज और 20 रुपीज पर ट्रेड पर। इस ऐप का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिलेगा और दी ललन टॉप यूजर्स को आईपीएल 200 के कोड पे मिलेगा 200 का कैशबैक। तो अगर ऑलरेडी नहीं डाउनलोड किया है तो जल्दी इन दोनों ऐप्स को डाउनलोड करें। ये खबर आपके लिए लिखी है गरिमा ने। ऐसे ही खेल से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए दी ललन टॉप।